हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइज, हम लोग हैं भिवंडी चांद तारा मस्जिद के पास। जैसे कि आपने हमेशा मेरे वीडियोस में सुना होगा, चांद तारा मस्जिद ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये है चांद तारा मस्जिद। हम लोग हैं छोटे मियाँ गोट फार्म पर, ठीक है। और हमारे साथ है हमजा भाई। हम लोग आगे आपको हमजा भाई से बात करेंगे। इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, फीमेल कलेक्शन है और बहुत ही रिजनेबल रेट में है। काफ़ी फीमेल्स अच्छे कलेक्शन फीमेल में है इनके पास और अच्छे रेट में है, बहुत एक्सक्लूसिव रेट में, रिजनेबल रेट में है और बहुत अच्छे ब्रीडर भी है। ब्रीडर्स की मैं खाली आपको एक हल्की सी झलक देता हूँ और फिर उनके बाद में पूरी वीडियो भी दिखाएंगे हम लोग इंशाल्लाह आपको। ये एक ब्रीडर है, इसके बाद में ये एक ब्रीडर है, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे बकरियों के बारे में, फिर उसके बाद आपको पूरा वीडियो ब्रीडर वगैरह का भी शो करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो आप? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, वो है आपकी। कैसा चल रहा है आपका चैनल? वीडियोस काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है मतलब। हाँ, और पिछले साल जब मैं आपके यहाँ पे आया था तभी आपके पास मेंढो का कलेक्शन बहुत था। इस बार मुझे पूरे बकरे बकरी का कलेक्शन दिख रहा। कभी इस बार भी इंशाल्लाह देखते हैं, रमजान बाद रहेगा मेंढो। अभी तो फिलहाल बकरे फीमेल्स वगैरह okay. ज्यादा मतलब आप रमजान बाद मेंढे वगैरह वापस से लाओगे इंशाल्लाह। ओके okay. तो हम लोग अभी शुरुआत कौन से फीमेल से कर रहे हैं? ये मेवाती ब्रीड की फीमेल है समीर भाई। ये दोनों मेवाती है, ठीक है। ये जोड़ी है, क्या डिटेल पर है दोनों समीर भाई? ये दो दांत पर है फ्रेश, ये वाली। हाँ, कौन सी? ये वाली। ओके, और ये बच्चे अभी फ्रेश, चार दांत पर। ये अभी चार दांत पर है, ठीक है। और दोनों खाली है अभी समीर भाई? मेरे को लोडेड बोल के आई है, लेकिन मैं खाली बोल के दूंगा। तो आपको आपसे आपको कब आई है ये समीर भाई? ये आके मेरे को 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गया। आपको ऐसा लगता है खुद को कि लोडेड है? आप सेटिस्फाई हो उस चीज से? कैसे है समीर भाई, ये फीमेल जो है ना, मेरे को लोडेड मेरे को लग रही है, लेकिन okay. मैं खाली बोल कर ही दूंगा समीर भाई। सही है, बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से जो है खाली बोल के तो लोडेड निकली तो अच्छा ही है। और ये वाली का क्या है? ये भी लोडेड है? ये भी मेरे को लोडेड बोल के आई है, लेकिन मैं खाली बोल के नहीं दूंगा, एक से डेढ़ महीने की लोडेड बोल के आई है मेरे को। ठीक है, एक दो दांत पर और एक चार दांत पर है, बराबर ना? ये और ये फीमेल जो एक बार बच्चा दी हुई है, ये वाली। अच्छा, इसने एक बार बच्चा दे चुकी है, ये अभी तक नहीं दी है। हाँ, वो तो देख के ही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। सो एक इसने एक बार बच्चा दे चुकी है, इसका फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड हुई है ये बकरी, ठीक है। इनके प्राइस क्या कोट कर रहे हैं उमर भाई, अपना हमजा भाई? 20,000 रुपये जोड़ी। 20,000 रुपये जोड़ी? जोड़ी, क्या बात है यार। 20,000 रुपये में बकरियां दे रहे हो आप। अच्छा, ये फिक्स रेट होगा कि इसमें नेगोशिएट करोगे कुछ? एकदम स्लाइटली नेगोशिएबल है, एकदम स्लाइटली है समीर भाई, मतलब मान सम्मान की बात है, ठीक है। सो ये दो फीमेल इनको देना है, और अभी ये ऐसे तो इनको बोल के आइए लोडेड, लेकिन ये बोल रहे हैं खाली मैं बोल के दूंगा। 20,000 रुपये जोड़ी के ये कोट कर रहे हैं, स्लाइडली नेगोशिएट होगा उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या दिखाने वाले हमजा भाई? इसके बाद समीर भाई अपने यहाँ पे एक हाइब्रिड फीमेल है और एक वाइट आइस की फीमेल भी है, बच्चे के साथ है, वो मेल बच्चे के साथ है। फिर एक अपना दो हैदराबादी ब्रीडर है, एक okay. पतीरा ब्रीडर है, ओके okay. एक बरबरा है। सारी चीजें हम लोग दिखाएंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए, अब इनको बांध के आओगे या फिर हम लोग इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे? इनको बांध देता हूँ पहले, ठीक है। सो गाइज, ये एक और फीमेल है जो इनको देना है। सो आइए बात करेंगे इसके बारे में कि वो कौन सी ब्रीड है और क्या डिटेल्स है इसकी। भाई, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या कौन सी ब्रीड में है ये और कितने दांत पर है और लोडेड है या खाली है ये? समीर भाई, ये सोजा हाइब्रिड है। हाँ, ओके। और लोडेड है ये कि खाली ये है? मेरे को 10 से 15 दिन की लोडेड बोल के आई है, मैं खाली बोल रहा हूं। 10 से 15 दिन? हाँ। ओके, लेकिन आप जो बोल रहे हो आप कोट नहीं कर रहे हो, आप खाली बोल के ही दोगे, ठीक है। कितने दांत पर है ये? अभी फ्रेश दूसरा दांत की आप दिखा सकते हो, दो दांत पर है ये, माशाल्लाह। और ये फर्स्ट टाइम ब्रीड हुई, ब्रीड करवाया इसको? ओके, सो माशाल्लाह बकरी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। इसके खुर भी पूरे वाइट है, मैं आपको एक क्लोज लुक देता हूँ। खुर भी इसके पूरे वाइट है, इसके कानों की लेंथ भी अच्छी है, फेस भी इसका रोमन फेस बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, माशाल्लाह बकरी क्वालिटी में है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस क्या है इन्होंने रखा हुआ है। भाई, इसके प्राइस क्या कोट कर रहे हो आप? 15,000 रुपये नेगोशिएट है इसमें? हाँ, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छी, 15,000 स्लाइडली निगोशिएट। इसके बाद हम लोग क्या दिखाने वाले उमर अपना हमजा भाई? इसके बाद एक फीमेल है बच्चे के साथ वाइट आइस की, ठीक है उसको भी ले देते अपन। सो गाइज ये एक फीमेल है और उसके साथ एक बच्चा भी है उसका, ठीक है। सो ये भी इनको देना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी डिटेल्स वगैरह, ये कौन सी ब्रीड में है ये भी हम लोग बात करेंगे हमजा भाई से। हमजा भाई ये कौन सी ब्रीड है? समीर भाई ये बीटल और सोजेट ब्रीड क्रॉस है, वाइट आइस की फीमेल, वाइट आइस फीमेल है ना ये? हाँ देखो ना मैं दिखा देता हूँ, वाइट आइस में है। कितने दांत पर है ये? छठा दांत अभी की, छह दांत होगा इसके, ठीक है। और अभी ये लोडेड है कि खाली है? अभी ये 3 से 3.5 महीने किलो, मेरे को 2.5 महीने की लोडेड बोल के आई है। ओके, बाकी दूध वगैरह तो आप देख सकते हो सुखा दी है ना, तो मतलब मेरे को लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा अभी इसको डिलीवरी के लिए, 2 महीने से 2 महीने, सही बात है। और ये बच्चा कितने महीने का है? बच्चा 3.5-4 महीने का समय। बच्चे ने दूध छोड़ चुका है क्या? बच्चा अभी दूध पीता है, हाँ हाँ, लेकिन वो कम आता है वो, उसको हिसाब से कैसा है क्या? बच्चे को दाना, बच्चा दाने पे ही है, अगर अपन दूध पिलाएंगे तो पी लेते हैं, तो दाना शुरू किया है, दाना शुरू हो गया। सो अभी अपन जो बकरी जो है ये बच्चे के साथ में ही देने वाले है, ये बकरी चाहिए किसी को तो बकरी भी दे देंगे, बच्चा चाहिए तो बच्चा भी दे देंगे, ठीक है। तो मेरे को प्राइस बता दो ना दोनों का, अलग अलग क्या प्राइस आप कोट कर रहे हो? ज्यादातर तो कोई बकरी और बच्चा साथ में लेता है तो 20,000 रुपए, और कोई बकरी सिंगल लेता है तो 15,000। मतलब बकरे की बच्चे की कीमत 5,000 रुपए पकड़ो, कोई अलग बच्चा मांगता है सिंगल तो 5,000 रुपए में आप बच्चा दे दोगे ना, ठीक है। सो गाइस 20,000 रुपए में बच्चे के साथ में है, और बच्चा जो है वो मेल है आप देख सकते हो, और अगर आपको सिंगल खाली बच्चा चाहिए तो बच्चे का प्राइस ये कोट कर रहे हैं 5,000 रुपए, बकरी का प्राइस ये कोट कर रहे हैं 15,000 रुपए, ठीक है। इसमें नेगोशिएट होगा भाई? स्लाइडली नेगोशिएबल इसमें भी होगा, स्लाइडली नेगोशिएट होगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो आपका होगा, एक्स्ट्रा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो भी होंगे इसमें इंक्लूडेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आपके ब्रीडर्स दिखाएंगे, है ना, ठीक है चलिए। सो गाइज ये है इनका ब्रीडर, माशाल्लाह हैदराबादी में नासी कलर है। आइए हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे हमजा भाई से, टॉप क्वालिटी में है माशाल्लाह। हमजा भाई इसकी डिटेल क्या होगी, क्या कानों की लेंथ वगैरह क्या है, कितने दांत पर है, सारी डिटेल्स बताइए ना प्लीज़। समीर भाई इसके कान की जो लेंथ है ना वो 20 इंच है, 20 इंच लंबाई है इसकी, 20 इंच लंबाई है और चकलान 8 इंच है, चकलान आपकी मापी हुई है? मापी हुई है, ठीक है। और कितने दांत पर है ये? अभी फ्रेश 8वां लगा रहा है, 8 दांत कर लिया। ये आपके यहीं पर तैयार हुआ है या आपने अभी परचेस किया है? अपने आके भाई इसको 20 दिन हो गया करीब, 20 दिन है, मतलब ये आके यहाँ के क्लाइमेट में सेट हो गया। और कौन सी वैक्सीन आपने दे दी है इसकी? सिर्फ PPR हुआ है अभी, PPR इसका हो चुका है, और बाकी अभी दोगे या देना बाकी है ना? PPR को अभी कितना टाइम हो गया देकर? एक ही दिन हुआ मेरे, क्योंकि कैसा है अगर कोई लेता है तो उसको मालूम होनी चाहिए चीज के कितने दिन हुए है ना, PPR देकर एक ही दिन, एक ही दिन हुआ। और ये 8 दांत इसने अभी किया है ना, 8 दांत कर लिया, ठीक है। वेट क्या होगा इसका? 80+ ही आएगा, 85। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, अंदाजा रखते हैं, क्योंकि अपने पास वेग मशीन यहाँ पे है नहीं ना, तो अपन अंदाजा ही रखेंगे उसको, और वैसे भी अपने को नक पे बेचना है, वेट पे नहीं, खाली एक अंदाजे के लिए बता रहे कि इतनी वेट पर ये है प्रॉपर वाइट आइज में। ओके, इसके जैसे जहाँ पे आपने इसको खरीदा फॉर श्योर ये सब ब्रीडिंग के लिए यूज होते हैं, इसका रिजल्ट वगैरह आपने देख कर लिया या फिर आपने बस पसंद आया ले लिया? रिजल्ट तो माशाल्लाह वाकई में बहुत अच्छे हैं, देखे आपने कान वगैरह सब इस पे ही आते हैं, जहाँ से आपने खरीदा वहाँ इसके रिजल्ट थे, देखे आपने? देखा। सो अगर रिजल्ट देखा है आपने और आपका देखा आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे को तो बकरा बहुत पसंद आया पर्सनली, इसलिए मैंने सबसे पहला यही बकरा बोला लेने के लिए। इसकी कानों की लेंथ, और ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। सो इसके प्राइस हम लोग क्या कोट कर रहे हैं भाई? 60,000 हैदराबादी। ओके, मेरे को एक चीज़ अभी मैं पर्सनली आपसे पूछूंगा, जैसे अपने अपने इन्वर्टेड कॉमा में हैदराबादी बोले, हैदराबादी का डिमांड वैसे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मुझे भी पता है। आपको क्या लगता है 60,000 वर्थ है इसका, कि इससे ज्यादा होना चाहिए था या इससे कम होना चाहिए था? दोनों एंगल की बात कर, मार्केट में घूमते हो समीर भाई, आपको मालूम है क्या? इसलिए मैं बोला मेरे को तो मालूम है ज्यादा होती है, हाँ। लेकिन आपका एक अंदाजा ले रहा हूँ कि आपके हिसाब से, तो बहुत कम है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत कम। ओके 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 ओके, माशाल्लाह। सो मैं आपको क्लोज लुक देता हूँ गाइस, इसके पेट पे एक व्हाइट दाग है, यहाँ पर बकरा देखिए आपको, बहुत एग्रेसिव बकरा है, इसके कानों की लेंथ 20 इंच बता रहे हैं ये। सो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो नंबर स्क्रीन के ऊपर दूंगा, आप यहाँ पर आए बकरा देखिए पसंद करें और फिर सौदा करें।
इसके प्राइस 55,000 आप कोट कर रहे हैं, 60,000 आप कोट कर रहे हैं, सॉरी 60,000 ये कोट कर रहे हैं, इसमें डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो एक्स्ट्रा हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या दिखाने वाले हैं हमजा भाई? इसके बाद पतीरा ब्रीडर है, एक हैदराबादी ब्रीडर और है अपने पास, और सारे ब्रीडर क्वालिटी के बकरे ही है अपने पास। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे बकरे दिखाते हैं। सो ये एक और बकरा है, हैदराबादी में ही है ये भी, हम लोग इसकी डिटेल लेंगे हमजा भाई से। क्या डिटेल पर हमजा भाई, इसकी क्या डिटेल है भाई? अभी 12 महीने का, 12 महीने का, 12 से 13 महीने का बच्चा। मतलब अभी दांत इसने नहीं किया है लगता है, अभी फ्रेश दूसरा दांत किया है, दो दांत अभी हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। हाँ। क्या वेट पे है ये? 50-55 kg अप्रोक्स, अप्रोक्स ही बोलो, है ना? माशाल्लाह क्वालिटी देखे, बता सकते हैं। हाँ, सो माशाल्लाह क्वालिटी आप देखे, बकरा आप देखे, और थोड़ा सा फरी है ये बकरा माशाल्लाह। ब्रीडिंग के लिए अगर किसी को चाहिए हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है, मैं आपको एक क्लोज लुक देता हूँ बकरे का। हैदराबादी तो वाइट आइज में ही होंगे ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए बकरों का गुलाबीपन देखे माशाल्लाह, ये देखिए बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह ये। ठीक है, ये देखिए इसके क्या प्राइस हम लोग कोट कर रहे हैं हमजा भाई? 50,000 माशाल्लाह, क्या बात है। नेगोशिएट होगा इसमें कुछ के फाइनल है? स्लाइटली नेगोशिएट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से पकड़ो ना गर्दन की तरफ से, बहुत अच्छे, क्या बात है। बफ वगैरह उसके फेस पे, वही दिखाना था मुझे, थोड़ा सा थोड़ा पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, थोड़ा मेरी तरफ करो ना, मेरी तरफ करो, नहीं बस बस, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ठीक है, कितने बताए आपने? 50,000 इसके, इसमें स्लाइडली नेगोशिएट होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। इसके बाद भी और बकरे हैं, हम लोग आपको दिखाएंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के बकरे इसमें देखने को मिलेंगे आपको। सो गाइस ये एक और बकरा है जो इनको देना है, ये भी इन्होंने यहाँ पर अपने पास, इनके पास है। अब इसके डिटेल हम लोग लेंगे, क्या डिटेल पर है, क्या वेट पर है, कितने दांत पर है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे हमजा भाई से। हमजा भाई इसकी क्या डिटेल्स वगैरह है, और ये आपके पास कब से है? इसको भी समीर भाई 20-25 दिन हो गए अपने को। अच्छा, जो अभी हम लोग जितने बकरे शूट कर रहे हैं ये सब अभी रिसेंटली परचेस किए हुए बकरे हैं? इन सब क्लाइमेट सेट बकरे, नहीं मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बकरे 20-25 दिन हुए, मतलब यहाँ पर आके सब अपने पास सेट हो गए, वैक्सीन इनको भी दी हुई है, इनको भी PPR की हुई है। ठीक है, ये कौन सी ब्रीड है? ये पतीरा में, ये प्योरिटी में पतीरा है कि क्रॉस में है, कैसा है आपको क्या लगता है? पतीरा बोलो। हाइट इसकी क्या है? इसकी हाइट 39 है। ठीक है, सो वेट क्या है इसका? अप्रोक्स 70 kg to 75 kg, अप्रोक्स ही पकड़ते हैं अपन उसको, 70-75 बोलते हैं। ठीक है, और दांत कितने किया इसने? 8 दांत कर लिया। ठीक है, और माशाल्लाह इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है समीर। ये भी आपने देखा, इसका रिजल्ट भी देखा आपने? अच्छा रिजल्ट है। ओके, बहुत अच्छे। इसके क्या प्राइस हम लोग कोट कर रहे हैं हमजा भाई? 32,000 रुपये, बहुत अच्छे। थोड़ा सा फ्रेम के ऐसे सामने लो ना, हाँ माशाल्लाह, इसको थोड़ा ऐसे करो ना, इसका फेस इस तरफ करो, हाँ ये एक मिनट बस ऐसे सामने पकड़ो माशाल्लाह। मार्बल सिंग, मार्बल खुर वगैरह आप दिखा दो। बकरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 8 दांत पर है, और 70-75 kg, 8 अभी फ्रेश ही है ना। ठीक है, 32,000 ये कोट कर रहे हैं इस बकरे का। सो गाइस जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इसमें नेगोशिएट भी हो जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा सामने ऐसे फ्रेम पे पकड़ के खड़े रहो ना, ताकि इसका एक आज हम लोग फोटोज ले सके। हाँ ये एक मिनट, माशाल्लाह थोड़ा सा ऊपर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस बस ठीक है। सो गाइस ये एक इस फार्म का मैं बोलूँगा सबसे क्यूटेस्ट बकरा है, बर्बरी में माशाल्लाह, बहुत अच्छे कलर में है ये और बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। इसकी डिटेल्स क्या है हमजा भाई? फ्रेश छठा दांत कर रहा है अभी। ओके, और वेट और हाइट तो रहने ही दो इसकी। फ्रेश छठा दांत कर रहा है, बर्बरी ब्रीड में है, एकदम खड़े कान में माशाल्लाह, खान भी इसके अच्छे है, सिक्के भी इसके अच्छे है, बकरा एक्टिव है, वैक्सीनेटेड है, PPR मारा हुआ है अपने। ठीक है, इसके क्या प्राइस आप कोट कर रहे हो? 15,000 रुपये नेगोशिएट होगा इसमें, स्लाइटली। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में आपके पास बकरे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे होके इसको खड़े रखना ना, थोड़ा सा शेड आ रहा था, पीछे होके जरा पकड़ना ना, नहीं बैठ के जैसा बैठे थे अभी आप,
बहुत अच्छी है। सो गाइज ये वीडियो को क्लोज करेंगे, अजान भी होने लगी, वीडियो क्लोज करेंगे। नंबर मैं स्क्रीन पे हमजा भाई का दे दूंगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। अगर किसी को शूट से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।